अस्सलाम वालेकुम काशी डॉन। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सलाम वालेकुम राजा भाई। काशी हम किधर आए हैं? बकरे लेने। ओए बकरे लेने आए हैं। ले जी काशी ने आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताया, हम लोग आए हुए हैं रात को बकरे लेने। जैसे आपको एक दिन पहले हमने बताया था कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज आपको मिलने लगा अभी थोड़ी देर तक। क्यों भी काशी? हाँ जी। क्या कहता है, दे दिया जाए सरप्राइज? हाँ जी। चले साथ में काम भी छोड़ दिया है। ओ ये गुड न्यूज। एक और? हाँ जी। अब ये काला रंग उतर जाएगा कोई हफ्ते महीने में। ये देखे जी हर जगह से डिफरेंट शेड आ रहा है काशी का, ब्लैक खाद, ब्लैक फेस, ब्लैक। कभी यही बंदा व्हाइट, एंड मैं इससे जेलस होता था कि चिट्टा रंग, अब मैं इससे ज़्यादा यू नो वाइट वाइट लग रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों को एक्यूरेट नज़र आ रहा हूँ कि नहीं, बट इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे प्यारा लग रहा हूँ। सही कहा ना मैंने काशी? सारे अल्लाह के प्यारे ही होते हैं। चल अब उनके आने का वेट करते हैं फिर चलते हैं। और भाई आस्था चलाया कर तू भी। बाकी यह मानना है कि मैं दो में इंज रखी हैं। क्या बात भाई, हमने इसको पूरा ये देखें कवर कर दिया आगे से लगा के। जब मरातब यहाँ पे बैठेगा तो ये प्रॉपर कवर हो जाएगी, इसमें हवा नहीं लगेगी जानवरों को एक तो। और अभी इसके अंदर आएंगे जानवर, अंदर से भी आपको दिखा दूँ। तो ये तो पूरा एक कमरा टाइप हमने बना दिया है। ये ज़रा इसने थोड़ा सा ऊंचा करके बांध दिया है, ये मैं इससे ज़रा सेट करवाता हूँ ताकि मज़ीद जो है वो सेटिंग हो जाए। देखिए इस तरह जो है जानवर इसमें ईजीली आ जाएंगे। फ्रंट से बिल्कुल कवर्ड, साइडें बिल्कुल कवर्ड, इससे ये होगा हवा नहीं लगेगी जानवरों की। बाकी वो मराज काशी गया ऊपर लेने, काशी आता है तो आपको दिखाते हैं जानवर भी। पकड़ मेरे मरातब इसको। रस्सियाँ हैं इनकी कि नहीं? नहीं खुले होते हैं थोड़ी, वो वैसे रस्सी पड़ी भी है माशाल्लाह। ये जी हाँ जी वो भी छोटी मोटी होगी। ये जी वाइट बकरा है माशाल्लाह, फर्स्ट आया है। दूसरा मक्खी चीना आ गया माशाल्लाह, चेक करें जी। तो फाइनली जी काशी डॉन आर यू रेडी? चलें फिर। लें जी माशाल्लाह चार हैं, ब्लैक ब्राउन चीना और वाइट, और अल्हम्दुलिल्लाह इनको लेके चलते हैं और इंशाल्लाह इनको उतारेंगे उधर शिफ्ट करेंगे। तो मॉर्निंग में मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को इनका शो करवाया जाए, सुबह ही आप लोगों को दिखाऊंगा जब इनको हम बाहर लेके गए, अदरवाइज़ तब तक आपको वेट करना पड़ेगा इंशाल्लाह। काशी और मरातब जा रहे हैं जी लेके, और अल्लाह पाक बेहतरी करे जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आज की वीडियो में। तो सरप्राइज़ भाई आप लोगों के लिए आ चुका है, बेसिकली हमारे पास आई है न्यू एंट्री चार की, कौन सी वो भी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चैनल को कर दे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी कहिएगा। बिग गेम बिग मैच, और माशाल्लाह फुल हाइटेड बकरे। और ये हमारे बहुत ही प्यारे मुजम्मिल भाई संत नगर से, उनका शौक है, अल्लाह पाक उनके शौक को सलामत रखे माशाल्लाह। ये जी ब्लैक चीना जो रात को आपको दिखाया था, चल भाई ये जी चोगा कैटेगरी में है सर, माशाल्लाह देख सकते हैं आप एक से बढ़कर एक फर्स्ट में है। इसका नाम आप लोगों ने रिकमेंड करना है ब्लैक चीना, ठीक है। और सेकंड ये आगे शेरा, इसको तो हम शेरा ही कहेंगे, मेरी फेवरेट और बहुत ही प्यारी ब्रीड, ब्रीड से मुराद मक्खी चीना, और कलर प्रिंट जो है शेरा, शेरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कलर। और माशाल्लाह देख सकते हैं आप हाइट, फुल हाइटेड बकरे हैं। चल भाई इस तरफ इस खुरली में, ये तुम्हारी खुरली है, तो ये लें जी माशाल्लाह। ये सेकंड बकरा, और ये रहा जी मक्खी चीना। चल चल पज 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 पज, ये हमारे रंगीले से थोड़ा सा हाइट में बड़ा है और वेट में थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। लें जी ये हो गया उनका तीसरा जानवर, बाकी बचे दो, दो भी आपको दिखाने लगा हूँ। और दो दिखाने से पहले सरप्राइज़ किया वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये है जी उनका वाइट बकरा, जो कि सिंधी क्रॉस में है थोड़ा सा, बट माशाल्लाह माशाल्लाह इस टाइम मेरे पास सबसे हाइट में यही है और सबसे प्यारा जानवर भी यही है, क्योंकि इसके बाल ऊन ये जैसे हमारे पास वो था ना स्लेटा, सेम लाइक वही है, बट इसका हाइट बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, इस तरह के बहुत कम होते हैं। और प्यार लेने में तो यकीन मानिए सबसे आगे है, कि इसकी कोशिश होती है कि मुझे फेरता रहे। बाकी हमारा माल अपना खाते हुए, ये आज फर्स्ट डे है, पहले इनकी फ़र्स्ट नाइट थी और आज फर्स्ट डे है, तो आज ये थोड़ा कह रहे हैं। और भाई यहाँ पे उनका पांचवा बकरा अब आपको दिखा दूँ, तो ये चेक करें जी, ये रहा ये वाइट वाला भी उन्होंने ले लिया है मुजम्मिल भाई ने, और ये पांचवा भी उनका हो गया। और माशाल्लाह पांच उन्होंने किए हैं कुर्बानी के लिए, और चीज़ चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी था
और उन्होंने ये वाला भी बाइंग कर लिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी कहिएगा, माशाल्लाह लाजमी कहिएगा, और दुआओं में हमें बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिएगा। हमारे न्यू फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अपग्रेड हुए हैं और न्यू फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो गए हैं। एज अ वी आर लाइक फैमिली ही मैं इसको लेके चलता हूँ, जैसे कि आप अपने उसे प्यार करते हैं सेम लाइक वैसे ही मैं इनसे प्यार करता हूँ। मेरे घर वालों का ये मानना है कि जिस शख्स को बर्ड से और एनिमल से मसलन पेट्स से अगर प्यार नहीं है ना, तो वो शरोज के खाते में बिल्कुल फारिग है। और ये हकीकत है यार, इनके साथ जो मज़ा आता है ना, आप सारा दिन एक बकरे के साथ स्पेंड करना चाहे ना, उसके बाल सेट करने में, उसको घुमाने में, उसको खिलाने में, उसको जो चीज़ में करना चाहे आप कर सकते हैं। बर्ड्स का भी यही हिसाब है, आप एक जोड़े के पास बैठ जाएँ अगर दिल से हों तो तब भी आप सारा दिन स्पेंड कर सकते हैं, किसी दोस्त किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी नाउ दिस डे कि मेरी मज़ीद जो है ग्रूम हुआ और मज़ीद फैमिली मेम्बर ज़्यादा हुआ। माशाल्लाह इनमें कोई बकरा ऐसा नहीं जो कि इस टाइम 65 to 1.5 month के करीब नहीं होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह 1.5 के करीब जो हैं जानवर ईजीली हैं, और ये ज़रा एक इनमें दो पतले हैं, ये दो भारी हैं माशाल्लाह। और ये लाहौर बकरा मंडी शाहपुर कांजरा से ही लिए थे। तो भाई बाकी चीज़ें इंशाल्लाह सारा दिन चलती रहेगी। आज जाना पट्ठों के लिए, मुरातब हो गया था लेट, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम मुरातब भाई, मनहूस आदमी लेट हो गया था इसलिए इसको मैं छेड़ता रहता हूँ। तो चलें नीचे चलते हैं, इससे पहले कि ये सारे के हमें घुमाने लेके जाओ। तो आज नहीं है मेरे भाई, आज मेरे पास बंदे नहीं हैं। काशी आएगा जिस दिन, फिर तुम लोगों को हम घुमाने के लिए भी लेके जाएंगे, रेडी रहना। बाकी इनका नाम रिकमेंड करिएगा, जो नाम आप लोग कहेंगे इंशाल्लाह वही नाम हम इनका रखेंगे। तो भाई अभी फिलहाल चुवाई वगैरह हो गई है, मतलब मिल्किंग हो गई है, अब हम यहाँ से निकलें पट्ठों के लिए। अस्सलाम वालेकुम काशी भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साडा दिन चढ़ गया, छड्डा हुण पुठे हाथ दी की होया, किन्ने बजे दा टाइम सी? नमाज तेरे अब्बे जी ने पढ़नी सी, 6 बजे नमाज हुंदी है, बाकी नमाज ना आया भी नमाज पढ़िया कर, चल जा वेख क्या उत्ते चढ़ा दते, जा वेखते और रात दी जा, नहीं थी जाना तो सेठ चला चली, चला चली लाके चली, नहीं आप पहले उत्ते चलिए, आज आजी जी तानू बकरे भाइये ले जी शौक करवाने लगे हैं। हाई साहब भी बड़े बड़े शौकीन है, ये जा रहा ऊपर हाले पठिया जाना, फिर आगे लेके जाना है। हाँ मैं कहूँगा बड़े आते हैं मेरे पास, हाँ भी मराता बली पार 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 ले जी, इसको काम करना पड़ता है, काम करते हुए इसको पड़ जाती है मौत। और हम लोग आए हैं इंस्टाला लेने, कहाँ पे आए हैं, तो चलें इंस्टाले वाले भाई से भी आपको मिलाते हैं। और सारे अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा भाई, कैसी सेहत हुई है, ठीक ठाक हैं? ले जी आप लोग अक्सर पूछते थे कि शरोज भाई कहाँ से पट्ठे वगैरह लेके आ रहे हो, अगर आप लोग भी लेना चाहें तो न्यू मजांग बड़ा ही पुराना है, मजांग में आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। इस सामने गोश्त वाली मार्केट है और आपके इस तरफ LOS है, LOS से जब आप गोश्त वाली मार्केट को मुड़ेंगे समनाबाद को, तो भाई फ़ौरन आपके इस तरफ आ जाता है टोका, ये ऊपर सारा लिखा है। तो भाई यहाँ से आपको बड़ी ईजीली हर किस्म का दाना पट्ठा यहाँ से मिल जाएगा। और स्टाला अगर आप लोग बात करें, लूसन और स्टाला बड़ा ही VIP इनके पास आता है, तो बाकी चीज़ चेक कर सकते हैं, स्टाला पड़ा इस तरफ, लूसन पड़ा हुआ उस तरफ। तो आई होप के ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव टिप्स हैं, क्यों हैं, क्योंकि भाई जब आप लोग आएंगे लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इवन के मेरे भैंसों और बकरों दोनों के लिए यहाँ से ही पट्ठे जाते हैं। तो चलें बाकी भर रहा है, भर के देख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। मन बकरे वाला जेड़ा है किन्ने ही पवाया जी, ले जा ले जा इन उत्ते ना ले जाई, उत्ते उन्होंने पाड़ देना, अज तो बाद उत्ते कोई शायर नहीं रखनी, उन्हों की जगह वड्डी करिए थोड़ी ना, अज सड़द नु पिछे मेरा शिवीर चुक के मार तू एक पासे उत्ते, जिथों इतों भी कोई जानवर ना पाड़े जान दे पिछे, ए तेरी खैर आ दुनिया वेखगी मुरातब दियाँ ताकत। चलो कोई नहीं आड़ी गया काम, चल आया उत्ते पट्ठे पहले उन्होंने पाइए फिर अगला काम करिए। लें जी भाई जान फिल वक्त हम ले आए पट्ठे, जाके जहाँ से पट्ठे ले गए वो भी आपको दिखाया, रात को बकरे ले गए हैं वो भी आपको दिखाया, और सारा कुछ। और बाबा जी हमें डरा रहे हैं, बाबा जी डराओ ना ताड़ी मेहरबानी, बहुत जी इधर आओ मुरातब अली है उत्ते है ना, मैं बकरे बन ना दूजे ते लैके आ, ठीक है ए पाना है उन्होंने सारे ना, मैं बनना पहले
चलो टूरो टूरो जी। तो भाई गुलाबो भी बांध दी है, परी उसको परी क्या नाम लेते हैं, गुलाबो लाडो जमजम बांध दिए। ओए शेरू शेरे अदरा क्यों मारी जा रहे हैं ना, हैं चल इधर बच्चे छोटियां ने तेरे तो इन्हों नहीं मारना, इधर आ जा पुआन पा रहे खुरली च पा 20 किलो इधर ही। ओए डोले बगैर डोले बगैर चल भी आ जाओ, ये खाने लग गए माशाल्लाह, पा दे सारा पा दे, बकरा पाल्टी इधर खावेगी, पा 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 वो थले उन्होंने भी रोला पाते, चल सीधे कर दे थे, बस बस जी बस अल्लाह खैर करे। एक तोड़ा और ले आके ना मेरा वीर, छोटी खुरली च पा दे ताकि छोटे छोटे उधर लग जान, वड्डे वड्डे इधर लग जाएंगे। आ जा ले आके 20 किलो इधर 60। ओए आपे खाणगे अज पहला दिन ही रुक जाए, इन्हों वेख इन्होंने इंज जांबी देनी इंज देन दा के लिया, तू जल्दी लिया तोड़ा जल्दी लिया मेरा वीर, एक वो छोटा तोड़ा इधर पा, अद 10 किलो पाना है इधर, बाकी 30 किलो पट्ठे साइड ते रख, दुपहरी इन्हां नूं पावांगे। चलो जी ये जी पलाई वाले जो जानवर हैं वो पहले छोड़े हैं, अब जो छोटे च मारे चीना जी की गल है, तुहाडा दिल नहीं कर रहा खाण नूं, वो वेखो किन्ने शौक नाल खा रहे ने दोवें, ले जी माशाल्लाह वो दोनों खा रहे हैं, ये भी हाँ चल कोई गाल नहीं। बेसिकली इनको क्यों बांधा है आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने भी घर में कोई माल रखा हुआ है तो कोशिश करें भाई इनको बांध दिया करें, इनको बांधने का फ़ायदा ये है कि आप जब भी माल बांधेंगे एंड में कुछ भी बचता है ना, इवन ये कुछ भी छोड़ते हैं फिर आधा पाएँ, तो ये मरातब ये देखिए अभी तोड़ा लेके आया, ये आधा डालेंगे इधर, उन्हें थलो मेरी आवाज़ सुन के ना रोला पा रहे ना खोल गांड इन्होंने, बस 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 मेरी जान बस। चलो आ जाओ जी, बस वो आपे उधर चले जाएंगे ना वे हूँ। चलो जी उन्होंने पर रख दे, लें जी ये इधर से, अब ये खाने लग गया शेरा, इसको समझ लग गई है कि इधर खाना है, वो उधर खा रहे हैं ये इधर खा रहे, जिधर इनका दिल करेगा अब ये सारे खाएंगे। चलो निकल बाहर, चल उधर वड्डी खुरली ला इन्होंने, चल तू भी इधर आ, छड़ छड़ दे आपे इन्होंने मुँह पा लेना जदों इन्हों समझ लग गई ना उधर दी, आज दा पहला दिन है ना, चल भाई शेर है इधर छड़ दे आपे बस आ इन दोनों को, चल इधर ओए चुनू आ गई इधर, चल अपनी पुरानी खुरली तुम इतने शुरू हो जाओ, तहु आज छूट चिट्टा जी तुम जिधर मर्जी खाओ, राजू भी उधर है, ये दो चीने खाने लग गए, तीसरा किधर गया शेरा, हाँ तू पट्ठे पा मेरा वीर, वो दोनों भी उधर हैं, आ जाओ खाओ इन्हां नाल। ले जी आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजिम करिएगा और मुझे बताइएगा कि कुछ चीज़ समझ नहीं आई, दाना जो है इंशाल्लाह दाने की रूटीन भी आप लोगों को किसी नेक्स्ट डे में दिखाएंगे, जिस दिन सबको बाहर लेके जाएंगे तो ये रात को न्यू एंट्री थी तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो भाई अगर आप लोग ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हो सब्सक्राइब करो शेरोज़ जट ब्लॉग को ताकि आपको मज़ीद मिले, और ये वीडियो आप लोगों के लिए एज ए लाइफ स्टॉक पर मैंने बनाई है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाफी दो में याद रखिए।